डू यू नो अ वुमन सफर्स स्टार्टेड ओवर अ टी पार्टी। क्या आप जानते हैं कि औरतों को भी वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने का विचार सबसे पहली बार एक चाय की दावत में आया था। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुराने समय में औरतों को सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि अपने घरेलू मामलों में भी अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं था। और उस समय ज्यादातर लोगों की यही धारणा थी कि औरतें शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी सक्षम नहीं होती कि वो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके या तो उन्हें शिक्षा दी जा सके। उन्हें सिर्फ घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा जाता था और उस समय औरतों को इस बात का एहसास भी नहीं था। पर 19वीं सदी आते आते विश्व में इस सामाजिक असमानता को लेकर आवाजें उठने लगी थी। कई औरतें थी जिन्होंने औरतों की सामाजिक हिस्सेदारी को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी थी। और उस समय एक संगठन आया जिसने सबसे पहली बार औरतों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के बारे में बात की। तो अगर अब बात करें चाय के दावत की, तो दिन लुक्रेशिया मॉन्ट, जो कि एक सामाजिक विचारक थी, उन्होंने एलिजाबेथ कीडी स्टैंटन को चाय पे बुलाया। उन्होंने लिंग भेद और औरतों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के बारे में बात की। जब वो दोनों चाय से उठी तो वो दोनों ही एक दूसरे के विचारों से सहमत थी इससे भी कि अब औरतों को सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक औरतों के वोट देने का अधिकार रहा। इनके विचार से कुछ और औरतें भी सहमत हुई और एक ग्रुप बना। वो ग्रुप फिर ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया और बढ़ गया और वो ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के सेनेका पोल कन्वेंशन का बेस बना, पहला ऐसा कन्वेंशन जिसने औरतों के सामाजिक अधिकार के बारे में बात की। और ऐसे ही विचारकों की विचारधारा पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलने लगी, खासकर यूरोप के देशों में। अब औरतें अपने सामाजिक अधिकार के बारे में जागरूक होने लगी और आवाज उठाने लगी थी। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ न्यूजीलैंड से लेकर सऊदी अरबिया तक औरतों के वोटिंग अधिकार के लिए तय किए गए सफर की कहानी। और वह देश जहाँ पे औरतों को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला वो बना न्यूजीलैंड। 1893 न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश जहाँ पे औरतों को पूरी तरह से वोट देने का अधिकार मिला। 1894 साउथ ऑस्ट्रेलिया, 1899 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 1902 ऑस्ट्रेलिया ऑल वाइट वुमेन्स, जहाँ पे अभी भी पूरी तरह से औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। 1906 फिनलैंड, जहाँ पे पहली बार एक फीमेल मेंबर इलेक्ट हुई पार्लियामेंट के लिए। 1908 पूरे ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स को वोट देने का अधिकार मिला। 1913 में सफरे सपोर्टर्स, यानी कि वो लोग जो वुमेन्स को वोट देने के अधिकार के साथ खड़े थे, उन्होंने पिटीशन साइन किए, रैलियां निकाली और जिसके के रिजल्ट में बहुत सारे आंदोलनकारियों को जेल भी जाना पड़ा। 1913 नॉर्वे और 1915 डेनमार्क की वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ तो सफरेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो संगठन जो वुमेन्स के अधिकार के लिए, औरतों के अधिकार के लिए पहले से लड़ रहे थे, तब उन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एनर्जीज को वॉर के एफर्ट में ऐड करके शिफ्ट किया एज अ पब्लिक और मेडिकल सपोर्ट। 1918 अजरबैजान पहली ऐसी मुस्लिम कंट्री जिन्होंने औरतों को वोटिंग का अधिकार दिया। और 1918 में ही बहुत सारे देशों ने अपने देश की औरतों को वोटिंग का अधिकार दिया, जैसे ऑस्ट्रिया, यूके, जर्मनी, पोलैंड, रशिया और कनाडा। 1919 नीदरलैंड और 1920 यूएसए, फाइनली जब यूएस सफ्रेजेट्स को इतनी लंबी लड़ाई के बाद जीत मिली, उन्होंने अपने वॉर में कंट्रीब्यूशन से अपनी एक जगह बना ली। और उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर वन में अपनी मदद दिखाई थी उससे न सिर्फ उनको वोटिंग राइट मिलने में हेल्प हुआ, बल्कि उन लोगों की सोच पे भी असर पड़ा जो ये सोचते थे कि औरतें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं होती कोई भी देश के हित में योगदान के लिए। इन्होंने इस हेल्प से सिर्फ वोटिंग का ही रास्ता नहीं खोला, बल्कि सामाजिक जगहों पे जाने का और सामाजिक अधिकार के साथ रहने का भी हक पाया। 1931 में स्पेन, 1932 ब्राजील, 1944 फ्रांस, 1945 इटली, 1947 जो कि बहुत सारे देशों ने अपने देश की औरतों को वोट देने का अधिकार दिया, जैसे कि मैक्सिको, जापान, अर्जेंटीना, पाकिस्तान जो कि तुरंत ही इंडिया से अलग हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया तो पूरे देश में सबको समान वोटिंग का अधिकार मिला। हालांकि इंडिया की भी कुछ विचारक थीं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के साथ ही औरतों के अधिकार की और उनके सामाजिक बराबरी की बात की थी, और उसके साथ ही वोटिंग के अधिकार के लिए जो आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा था और उसके अंतर्गत ही भारत में भी कुछ बदलाव हुए, जिसके तहत 1935 तक इंडिया की 2.5% औरतों को वोटिंग का अधिकार मिल चुका था, लेकिन ये सभी वर्गों के लिए नहीं था।
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ये सबके लिए लागू हो गया। 1920 से लेकर 1929 तक जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी औरतों के वोटिंग राइट की, वो सिटी थी सिटी ऑफ मद्रास। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड अफ्रीका के बहुत सारे देशों में विकास हुए और तब 1996 से लेकर 1968 के बीच में अफ्रीका के बहुत सारे देशों में औरतों को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। 1971 में स्विट्जरलैंड, 1976 पुर्तगाल, 1984 लिच्टेनस्टाइन, 1994 साउथ अफ्रीका, 2005 कुवैत, 2006 यूएई और 2011 जब सऊदी किंग ने अनाउंस किया था कि हमारे यहाँ की औरतें अगले इलेक्शंस में पोलिंग बूथ पर होंगी, 2015 सऊदी अरेबिया, और ये वो लास्ट देश है जिसमें की औरतों को वोटिंग का अधिकार मिला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।